हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा लास्ट डे ऑफ हमारी फाउंडेशन सीरीज का है, एंड ऑल्सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ये वाला फाउंडेशन। सो अगर कुछ एक फाउंडेशन छूट गए होंगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो हम नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में या फिर कोई और सीरीज में कवर कर लेंगे, बिकॉज ये सीरीज मैंने 5 डेज के लिए ही प्लान की थी, तो 5 फाउंडेशन हो चुके हैं। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये लॉरियल का इन्फेलेबल 24 आवर्स फाउंडेशन। सो अगर आपको इस फाउंडेशन के बारे में जानना है देन कंटिन्यू वॉचिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो ये कुछ एक ऐसे ग्लास बॉटल में आता है। इट लुक्स नाइस एंड क्लासी लगता है ये। यहाँ पे लिखा है लॉरियल पेरिस इन्फेलिएबल स्टे फ्रेश फाउंडेशन फाइट्स मेकअप मेल्ट डाउन 24 आवर्स तक ये रहता है, ऐसे ये क्लेम करता है। एंड इसके और एक कुछ क्लेम्स है, नो ट्रांसफर, नो विजिबल इम्परफेक्शंस, नो विजिबल शाइन, नो ड्राई आउट, नो मास्क इफेक्ट। नाउ ये कहता है कि शाइन भी नहीं है एंड ये ड्राई आउट भी नहीं करता। ड्राई आउट नहीं करता इसका मतलब ये मैट नहीं है, एंड शाइन नहीं है इसका मतलब ये इल्यूमिनेटिंग भी नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। एंड नो मास्क इफेक्ट, तो ये कोई ऐसे मास्क इफेक्ट नहीं देता है कि फेक ऐसा कुछ लगता नहीं है। ट्रांसफर नहीं होता है एंड विजिबल इम्परफेक्शंस नहीं है, इसका मतलब इसका कवरेज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है वो डेमो देख लीजिए एंड उसके बाद हम बाकी सारी बातें करेंगे। आपने डेमो देख लिया है, वीडियो में मैंने आपको सारे क्लेम्स बता दिए हैं पहले। ऑल्सो इसमें मेरा शेड जो है वो है गोल्डन सैंड 200, इसमें आपको 30 ml ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाता है एंड इसकी प्राइस है 1200 rupees, बट आपको हमेशा इस पर डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाता है। सो मेक श्योर आप डिस्काउंट में परचेज करें तो आपके थोड़े जो है पैसे बच जाएंगे। तो अब मैं बात करूँ स्पंज या फिर ब्रश की, तो फिर आई गेस कि मुझे स्पंज का ज़्यादा अच्छा लगा फिनिश, क्योंकि ये फाउंडेशन जो है वो थिक फाउंडेशन है तो ये ईजिली ब्लेंड नहीं होता है। आप कुछ भी यूज़ कर लो, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसको ब्लेंड करने के लिए। एंड स्पंज से क्या होता है ना कि आपको फिनिश जो है अच्छा मिलता है, क्योंकि ये थिक फाउंडेशन है। ब्रश के साथ जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे काफ़ी सारे स्ट्रोक्स मिल रहे थे ब्रश के, जो अच्छे नहीं दिखते। इसके बाद मैं स्पंज के साथ अगेन गई थी ये साइड पे, दोनों सब कुछ इवन लगे, कुछ ऐसे स्ट्रोक्स वगैरह ना लगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्पंज के साथ ही जाना। नेक्स्टली ये जो कहता है कि ये ड्राई आउट नहीं करता है एंड एट द सेम टाइम ये आपको कोई शाइन नहीं देता है, तो आई वुड से कि इसका एक क्लेम तो एकदम परफेक्ट है कि ये कोई भी शाइन नहीं देता है, बिकॉज इट इज अ मैटिफाइंग फाउंडेशन, तो ये आपके फेस को कोई भी शाइन नहीं देता। ये एकदम फ्लैट मैट फाउंडेशन है, आपके फेस को एकदम मैट बना देता है। लेकिन ये बात तो मुझे गलत लगी कि ये ड्राई आउट नहीं करता है। हाँ, अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो ये आपके फेस को ड्राई आउट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपके फेस को ड्राई कर सकता है, लाइक स्पेशली जो आपकी ड्राई पैचेस हो गए उस पर ये जाके क्लिंग कर सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी थिक एंड मैट फाउंडेशन, तो क्लिंग कर सकता है। एंड नॉर्मल स्किन पे भी शायद ये ड्राई आउट नहीं करेगा, बट ड्राई स्किन के अगर आप हो तो आप मेक श्योर करो कि आप अच्छे से जो है आपके फेस को मॉइस्चराइज कर दो एंड एक हाइड्रेटिंग प्राइमर अप्लाई करो। एंड अगर आप चाहो तो आप इसे सेट भी नहीं कर सकते हो, बट अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे स्टिल सेट करो। वैसे तो ये जो है ये कंप्लीट एकदम मैट फिनिश बन जाता है, एंड ये कहता है कि ये ट्रांसफर प्रूफ है, तो आई अग्री कि ये कुछ हद तक ट्रांसफर प्रूफ है। अगर आपने ये अप्लाई किया है, आपका फेस एकदम फ्लैट मैट है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। बट अगर आप ऐसे ही सन में जाते हो या फिर आपको स्वेट हो रहा है, तो फिर सन के वजह से फाउंडेशन थोड़ा सा ट्रांसफर हो सकता है, बट फाउंडेशन टस से मस नहीं होता है। ये 24 आवर्स कहता है, आई रियली डोंट नो, 24 आवर्स तक मैंने टेस्ट नहीं किया, बट मैंने जो है 12 आवर्स तक इसे टेस्ट किया है। लाइक मैंने सवेरे 10 बजे फाउंडेशन अप्लाई
किया था एंड रात के 10 के 11 बजे तक ये फाउंडेशन एज इट इज था। ना तो ये फाउंडेशन डल दिख रहा था, डार्क दिख रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बट हाँ, ये फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज होता है, बट इसको जितना ऑक्सीडाइज होना है ना, ये जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि दिन भर ही ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, बट आई मस्ट से कि ये फाउंडेशन क्रेजीली ऑक्सीडाइज होता है। लाइक आप डेमो में देख पा रहे होगे, जब मैंने इंस्टेंटली अप्लाई किया था तो थोड़ा सा जो शेड था वो मेरे स्किन टोन से लाइट था, लेकिन अब आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली मेरी स्किन को जो है मैच हो चुका है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप ये फाउंडेशन लेने का सोच रहे हो तो आप एक से दो शेड जो है लाइटर ही जाना ये फाउंडेशन के लिए। ऑल्सो मैं इसके कवरेज के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो इसका कवरेज जो है वो फुल कवरेज है। लाइक जब मैंने भी इसे लिया था पहली बार, इट वॉज टर्निंग ऑन माई फेस, एंड क्योंकि ये मेरा सबसे फर्स्ट फुल कवरेज फाउंडेशन था। नाउ अब तो है मेरे पास कुछ और भी, बट ये तब सबसे फर्स्ट फाउंडेशन था। ये एकदम फुल कवरेज है, बट अगर आप स्पंज के साथ अप्लाई करते हो एंड अगर आप थोड़े ही स्पॉट्स करते हो आपके फेस पे, लाइक डॉट करते हो, तो इससे आप थोड़ा सा जो है शेयर कर सकते हो कवरेज। बट ये मीडियम कवरेज या फिर नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आप नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन देख रहे हो तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। एंड यहाँ पे लिखा है नो मास्क इफेक्ट, तो आई विल अग्री टू सम एक्सटेंट एंड आई विल नॉट अग्री, क्योंकि अगर आपका जो है राइट एकदम शेड नहीं लेते हो तो ये एकदम एक मास्क जैसे दिखेगा आपके फेस पे, नो डाउट, क्योंकि इसका कवरेज इतना है एंड ये जो थिक है, तो अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हो तो ये मास्क काइंड ऑफ दिखेगा, नो डाउट। बट अगर आपका शेड एकदम डेन ऑन मैच है एंड अगर आप अच्छे से ब्लेंड करते हो तो यह मास्क इफेक्ट जैसा नहीं दिखेगा। मैं एक बात बताना चाहूँगी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कि इसका बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक होता है फोटोग्राफीज़ में। तो अगर आप फ्लैश के फ़ोटोज़ खींचते हो तो ये आपको एक वाइट कास्ट देता है आपके फेस पे, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसको अवॉइड करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पाउडर के साथ अच्छे से सेट कर सकते हो, जो पाउडर में SPF ना हो, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। एंड ऑल्सो जो मेरा एले गर्ल का मैट फाउंडेशन था, एले गर्ल का प्रो HD मैट फाउंडेशन, वो फाउंडेशन भी फोटोग्राफीज़ के लिए था, बट वो भी बहुत गंदा फ्लैशबैक देता है। बट इसका फ्लैशबैक उसके फ्लैशबैक से काफ़ी ज़्यादा है। इट्स नॉट गुड आई नो, बट इट्स ओके आई गेस। एंड ऑल्सो वो वाला जो फाउंडेशन था वो आपको एक फिल्टर्ड इफेक्ट देता था, यानी कि आपके फेस एकदम फिल्टर्ड इफेक्ट लगता था, आपके पोर्स को वो मिनिमाइज वगैरह कर देता था विदाउट प्राइमर। प्राइमर ना मैंने उसके लिए लगाया था ना मैंने इसके लिए लगाया, बट ये आपके इनपरफेक्शंस को पूरा कवर तो कर देता है, लेकिन ये आपके पोर्स को जो है मिनिमाइज नहीं करता है, एक फिल्टर्ड इफेक्ट नहीं देता है। आपकी स्किन जैसी है आपकी स्किन वैसी ही लगती है। जस्ट द थिंग इज, अगर आपको पिंपल है, डार्क स्पॉट्स वगैरह है, तो ये इसे डेफिनेटली कवर करेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। एंड ना सिर्फ वीडियो, आई होप कि आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल रही होगी। आपका सबसे फेवरेट फाउंडेशन कौन सा था ये सीरीज में से, या फिर कौन सा रिव्यू आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, डू लेट मी नो। एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।